Hello, my dear students, I am Devendra Paul and I am your commerce teacher, and today we are discussing some important terms which is used in accounting field, and today we are discussing these terms in practically form. जैसे हमें स्टूडेंट क्लासेस वगैरह में पढ़ाया जाता है, लाइनें बताई जाती है, ऐसे कुछ होता है. तो मेरा कुछ इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, एजुकेशन लाइंस का एक्सपीरियंस है, तो आज मैं आपको ये लाइंस, ये क्वेश्चंस जो हैं आपको प्रैक्टिकली फॉर्म में बताऊंगा कि कैसे कैसे होते हैं ये क्वेश्चन. जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू कलेक्ट फी फ्रॉम स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स वगैरह से फीस वगैरह कैसे ली जाती है. आपको दीज डेज आप देख रहे हो एजुकेशन सेक्टर है जो इतना डेवलप हो रहा है, इतना फैल रहा है, हर शहर हर गांव में एक इंस्टीट्यूशन खुल रहा है, कॉलेज खुल रहा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वहाँ पे. स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है कि हमारी फीस रिकॉर्ड कैसे रखा जा रहा है, कैसे एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को भी दिक्कत आती है कि वो बच्चों की फीस कैसे कलेक्ट कर पाए. तो उस रिगार्डिंग जैसे मेरा एक्सपीरियंस है, तो जैसे इसके रिगार्डिंग मेरा आंसर ये है कि जब कोई बच्चा किसी इंडस्ट्री या किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेता है, तो सबसे पहले क्या होता है, उसको फीस पे करनी पड़ती है, चाहे वो रेशन फॉर्म में हो, सेमेस्टर फीस हो, ट्रांसपोर्ट हो, बहुत सारी फीसेस देनी पड़ती हैं. तो इन फीस को कैसे स्टूडेंट से कलेक्ट किया जाए, तो बेसिकली क्या होता है, जैसे कोई स्टूडेंट्स न्यू स्टूडेंट्स के लगा के चलते हैं, जैसे न्यू स्टूडेंट्स है वो एंट्री करता है कॉलेज में, सबसे पहले उसकी रेशन फीस होती है, जो कॉलेज की प्रोस्पेक्ट फीस लगा लो या वन टाइम फीस लगा लो, वो बच्चे ली जाती है. ये कैसे कलेक्ट की जाती है, बच्चा आता है, उसकी इंट्रोडक्शन होती है, जो कुछ हमारे स्टाफ होता है, जो उनका रिसेप्शनिस्ट स्टाफ लगा लो उनसे होती है. तो इंट्रोडक्शन में कुछ बच्चे क्वालिफिकेशन पूछी जाती है, क्या कुछ कर रखा है, वो क्यों इंटरेस्ट है, किस फील्ड में इंटरेस्ट है, क्या करना चाहता है. अगर उनको सेटिस्फेक्शन होती है कि बच्चा इस लेवल है कि वो कुछ कर सकता है या इस एलिजिबल है उसकी जो क्वालिफिकेशन, तो उस प्रोसेस होता है उसका, फीस का स्टार्ट होता है. देन क्या होता है, बच्चे बुलाया जाता है, उसकी इंट्रोडक्शन होती है टीचर वगैरह से, उनसे पूछ वो किस सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट है इंटरेस्टेड है, कौन सी क्लास है, उसने एडमिशन लेनी है, सब कुछ बात होने के बाद उस बच्चे को एडमिशन सेल वाले या एडमिशन सेल में अकाउंट डिपार्टमेंट होना होता है, वहाँ पर ले जाते हैं. जितनी उनकी फीस होती है उन पर क्या होती है, रिसीट बुक इशू होती है पार्टिकुलर क्लास की. जैसे किसी कोई बच्चा फिफ्थ में, सिक्स में, टेंथ में, ट्वेल्थ में या ग्रेजुएशन करना चाहता है, हर एक की एक रिसीट बुक बन रखी होती है. बच्चे ने जिस फील्ड में लेना है वो उस बुक की रिसीट बुक लेते हैं, बच्चे का नाम, फादर नेम, कौन सी क्लास में एडमिशन ले रहा है, कौन से बैच ब्रांच है, कौन सी उसकी स्ट्रीम है, इसमें ये सब कुछ लिख कर एक रिसीट उसकी एंट्री कटी जाती है. देन क्या होता है, उसको रिसीट इशू की जाती है, जो ये रिसीट बच्चे के लिए प्रूफ है कि उसने फीस दे रखी है और कॉलेज के लिए होगी उन्होंने कलेक्ट की है फीस. ये माध्यम है बच्चे फीस कलेक्ट करने का. धन्यवाद.